ये पूजा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर में हैं और पूरा पूजा नहीं कर सकते तो देख के लाभ जरूर उठाए, अपने पुण्य भाग में कीजिए। ये आपके हाथ में है, कहीं टाइम खर्च करने से अच्छा है कहीं सही जगह पे टाइम इन्वेस्ट करना, ताकि आपको स्पिरिचुअली और मंगलवार को ही का स्वागत है रोशन भारती ब्लॉग्स में। तो आज हमने स्पेशल लेके आया, आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो आज हम आपको अपने पूजा के बारे में दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि पूजा कैसे होती है। और मैं तो हूँ बिहार से, लेकिन यहाँ पे मेरे पंडित जी हो जो और महाराज जी जो हैं वो यहीं के हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि गुजराती में कैसे भगवान को पूजन होता है, ये भी देख सकते हो। और अगर आपको हमारे यहाँ का भी पूजा देखना हो तो वो भी कमेंट में कीजिएगा, तो हम अपने यहाँ का भी तरीका से बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको देख के अच्छा लगेगा और आप इंजॉय कीजिएगा। और एक तरफ हमारे सहयोगी प्रताप जी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो यूं ही बने रहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिय नित्यं त्वां स्तुतिं भवन्तु नः मन्त्राणां सफला संतोषं तो पुण्यं मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशं तो मित्रणां मदस्तवः। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पूजन स्टार्ट हो चुका है और पंडित जी मंत्र पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अगर ये देखते हैं वीडियो तो एक पूजा करने इतना आपको पूजा देखते हैं सत्यनारायण भगवान की, तो आपको ही पुण्य की प्राप्ति होगी। जितना करने से मिलता है उतना ही सुनने से बैठने से सत्यनारायण भगवान की पूजा देखने से उतना ही पुण्य मिलता है। तो प्लीज ये वीडियो आप लोग लगातार देखिए और पुण्य कमाइए। औषधः शान्ति वनस्पतिः शान्ति शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति ओम श्री शान्ति 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 भवन्तु। श्रीमन महागणाधिपते नमः श्रीमन महागणाधिपते नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री परात्परे गुरुभ्यो नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याय नमः श्री कुल देवताभ्यो नमः श्री इष्ट देवताभ्यो नमः श्री ग्राम देवताभ्यो नमः श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः श्री सच्ची पुरंदाभ्याय नमः श्री सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। संस्कृत फिर हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत हिंदी में बोलते हैं। संस्कृत बोलूंगा तो पता नहीं चलेगा। सत्यनारायण देव की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय। स्वस्ति विनाशस्य पुण्य कल्याण वृद्धिदायकं प्रिय नित्यं त्वां स्वस्ति भवन्तु 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 नः मन्त्राणां सफला संतो संतो पूर्ण मनोदा शत्रुणां बुद्धिनाशं मित्रणां मदस्तव भ्रमन्तु नः भ्रमन्तु नः भ्रमन्तु नः। तीन बार लगाइए सर पे बोलिए ओम हरे नमः। भाषण संभरता राजा उनका मुख कहे थे साधु व्यापारी श्री महाविष्णु सत्यदेव के जेना मेहमानों पार ना आवे એવા તેજસ્વી છે તેમનો હું પુત્ર તથા ધન ધાન્ય સંપત્તિ મળે એ હેતુથી મારા સગાવાલા ઇષ્ટ મિત્ર સાથે વ્રત તથા પૂજન કરું છું। પુણ્યવાચન દેવ पूजन पूजन ब्राह्मण ब्राह्मण द्वारा द्वारा अहम अहम पूर्ण पूर्ण करिष्ये करिष्ये।
छुट्टी ले, इसलिए होने का मंगलवार को ही। आज जैसा कि हमने आज आप लोगों ने देखा कि हमने सत्यनारायण भगवान की पूजा की है, तो उसके बारे में आपको बता दें, जो उसमें कथा 5 पार्टों में कथा थी, जिसमें मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूं, 5 पार्टों में पहला था जो आप उसका कथा करते हैं या सुनते हैं तो धन की प्राप्ति, दूसरा आप पुण्य की प्राप्ति, तीसरा मोक्ष की प्राप्ति, चौथा रोगी तुरंत रोग भग जाए, प्रसाद खाने से इसका भी बहुत सारे पुण्य मिलते हैं, ये प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए, इसका कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, और रिधिश उसमें बाय बाय करो, बेटा दिखाओ, देखो रिधिश भी पूजा प्रसाद खाया है पूरा, और पूरा परफॉर्म में आप देख सकते हैं, आप लोग पूरा आक्रामक रूप पकड़ रखा है, मेरे ऊपर बैठा है। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये पूजा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर में हैं और पूरा पूजा नहीं कर सकते तो देख के लाभ जरूर उठाए, अपने पुण्य भाग में कीजिए, ये आपके हाथ में है, कहीं टाइम खर्च करने से अच्छा है कहीं सही जगह पे टाइम इन्वेस्ट करना, ताकि आपको स्पिरिचुअली और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ये पूजा आपके लिए ही है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि आए तो ये पूजा ज़रूर करें, ये व्रत ज़रूर करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो आप लोगों से मिलते हैं कोई दूसरी ब्लॉग